नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शक्ति मिश्रा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी समस्या है जो रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का जो जॉइंट वाला पॉइंट होता है, जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, हिंदी में महारंध्र कहते हैं, फोरामेन मैग्नम में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन। इसी इन्फ्लेमेशन को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसमें गर्दन को मुड़ाने पर दर्द होता है। ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए बॉडी का वोमिटिंग सेंटर भी एक्टिव हो जाता है, बैलेंसिंग सेंटर भी डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट को गर्दन में दर्द रहेगा, उल्टी लगेगी, ऐसे लक्षण आ जाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस अधिक बढ़ जाए तो लोगों को ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, सिवाय दर्द बंद करने की दवाई के अलावा। इसलिए होम्योपैथिक में मैं आप लोगों को एक ऐसी दवा बताऊंगा जिससे स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथ में इसके लिए बहुत ही कारगर दवाइयां हैं। डॉक्टर स्पॉन्डिन ड्रॉप, जिसको लगातार 3 महीना पीने से स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाती है।